लॉकडाउन के दूसरे चरण में पुलिस दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर ज्यादा सख्त तेवर दिखा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। लॉकडाउन का दूसरा चरण प्रारंभ है। पुलिस चाहती है पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी हमारी जीत हो। मौजूद है रीवा के सबसे व्यस्तम बाजार शिल्पी प्लाजा के पास। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जिस सड़क पर अभी आपकी नजर जा रही होगी, यहाँ पर केवल पुलिस कर्मियों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। ये सड़क सीधे रीवा के एकमात्र कन्या महाविद्यालय की ओर जाती है। यहीं पर कमिश्नर कार्यालय स्थित है, यहीं पर जिला पंचायत, यहाँ पर कोर्ट स्थित है, तमाम तरीके के वो ऑफिस जहाँ पर दिन भर चहल पहल रहती है। साथ में आप इस सड़क की ओर, जिस सड़क पर आप नजर दौड़ा रहे हैं, रीवा का सबसे व्यस्ततम बाजार, सारे बड़े शोरूम यहाँ पर है। यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था देखी जा रही है, आप मोटरसाइकिल पर जाते हुए लोग भी देख रहे हैं, वो केवल और केवल एक लोग ही इस पर जा रहे हैं। इसका माना जा सकता है कि यहाँ पर जो भी पुलिस विभाग के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी निगरानी इतनी चुस्त दुरुस्त है कि यहाँ पर नियमतः जो भी प्रशासन ने नियम कानून का पालन किया है, उसको लगातार फॉलो किया जा रहा है। हमारे साथ अमैया थाने के थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं वर्तमान समय में, जो अपनी निगरानी पे लगातार व्यवस्था बनाए हुए। हम सीधे उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे लॉकडाउन के दौरान उनको किस तरीके की समस्याएं आई और उनसे उन्होंने किस तरीके से पार पाया, जैसे कोरोना अभी तक नहीं फैल पाया। सर, किस तरीके की आपको समस्याएं आई और कैसे आपने पार पाया? समस्याएं ये कि अभी जैसे कि सरकार ने रियायतें दी हैं, काफ़ी लोगों को रियायत मिली है, इससे काफ़ी लोग अचानक से बाहर आना शुरू हुए हैं। लोगों को धैर्य रखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि अब जो दुकानें प्रॉपर खुल गई हैं, तो हम जल्दी से जल्दी ऐसे समय में सामान अपना लें, खरीदें, जिसमें कम रश रहता है, कम भीड़ रहती है, और लेकर के अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन लोग इस चीज़ पर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं और लगातार 7 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार बाहर आ रहे हैं। शाम को लोग लगातार दिन भर निकल रहे हैं, जबकि कायदे से जो भी सरकार ने छूट दी है, उनको वह छूट देनी चाहिए। और अगर आप पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर वो कार्रवाई करेंगे जो कार्रवाई जरूरी है। आपको बचाना, हमारा पहला धर्म है आपको बचाना, उसके लिए हमें जिस तरीके की लड़ाई लड़नी पड़े लड़ेंगे। एक सवाल ये है, एक जो बड़ा सवाल है, आपके इलाके में काफ़ी भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले भी आते हैं, उन मोहल्लों को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं आप? श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा मोबाइल टीम्स बनाई गई हैं। एक ये जैसे कि थाना प्रभारी की गाड़ी होती है, इसके अलावा दो और फोर व्हीलर्स मोबाइल दी गई हैं और लगातार हमारी बीट है, तो उनमें अधिकारी कर्मचारी लगातार भ्रमण करते रहते हैं और लोगों को समझाइश देते रहते हैं। दूसरा, इनमें PA सिस्टम भी लगाया गया है, ताकि अनाउंस करके हम लोगों को जागरूक कर सकें, बता सकें कि सबसे अधिक इसी में भलाई है कि आप घरों में रहें तो सुरक्षित रहेंगे और दूसरा कोई काम उनको नहीं करना है। घरों में रहेंगे तो ही आप सुरक्षित रहेंगे, घर के बाहर कोरोना आपका इंतजार कर रहा। हालांकि पुलिस विभाग की चुस्ती ने यह दर्शा दिया है कि बिंद में कोरोना अभी तक नहीं आया है। माना जा सकता है अगर यहाँ के लोगों ने लापरवाही नहीं की, पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है और जिस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है, रीवा की जनता ने अगर उसको सहयोग दिया, तो निश्चित रूप से कोरोना जैसी भयंकर बीमारी हमारे आपके शहर पर नहीं आ पाएगी। न्यूज नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। कोरोना को हराना है, अभी तक हमने यह कर दिखाया है, आगे भी ऐसा ही करेंगे। घर पर रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और दीजिए इजाजत अपने मेजबान जीशान जावेद को, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।